हेलो गाइस, मैं हूँ भावना शर्मा। आज हम हाउस फ्लाई की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन ही क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। आंतरिक संरचना को अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो एनाटॉमी के अंदर हम किन किन सिस्टम को डिस्कस करते हैं? एनाटॉमी के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन सभी के बारे में हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं कि हाउस फ्लाई का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिफर होता है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, ट्रेकियाज होती हैं, फेरिंज होता है, लेकिन इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिर्फ ट्रेकियल ट्रंक से बना हुआ होता है, जो कि कैसा काम करता है, हमारे लंग्स की तरह काम करते हैं ट्रेकियल ट्रंक्स जो हाउस फ्लाई के होते हैं। और ट्रेकियल ट्रंक्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 10 pairs ऑफ द स्पेरिकल्स होती हैं। तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। देन हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? माउथ पार्ट होता है, फिर उसके बाद इसका क्या होता है, ओसोफेगस हो जाता है, फिर उसके बाद इसका क्या होता है, क्रॉप, फिर गीजर, मिडगट से ऊपर इसका स्टमक होता है, फिर उससे नीचे मिडगट से नीचे फिर क्या होती है, इसकी रेक्टम होती है। तो इसके पास सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। वो कितनी होती हैं? 2। इसके पास, जैसे हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो हाउस फ्लाई के अंदर कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनके पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो याद रखें इस बात को। तो इसका जो क्रॉप है, क्रॉप का फंक्शन क्या होता है, जितना भी फूड ये इनगल्फ करता है तो क्रॉप उसको क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। तो क्रॉप से नीचे फिर गीजर आता है। गीजर का फंक्शन है, जो फूड होता है फूड को क्या करता है, वो ग्राइंड करता है, जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? गीजर्ड होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, आपका स्टमक आता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में इसका प्रोटीन्स, फैट वगैरह ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक से नीचे मिडगट आती है। मिडगट में क्या होता है, मिडगट के अंदर हाउस फ्लाई की जो मिडगट होती है वो कैसे काम करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह वर्क करती है। मिडगट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो इसके मिडगट के अंदर होता है। देन मिडगट से नीचे आते हैं तो रेक्टम होता है। रेक्टम का फंक्शन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के जो इसका फेजेस होता है वो उसको क्या कर देता है, बॉडी से पास आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रेशन। और म्यूकस के थ्रू क्या करता है, म्यूकस क्या हेल्प करता है इनकी, कि उसको बॉडी से पास आउट करने में इसका जो फेसेस होती है उसको स्मूथ कर देता है। देन हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से रिलेटेड इसका कॉपुलेशन देख लेते हैं। कॉपुलेशन का मतलब है व्हेन द मेल इज कम नियर विद द फीमेल एंड फ्यूज विद फीमेल विद द मेल, दैट इज कॉल्ड द कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में जो मेल होता है वो फीमेल की बैक पे बैठ जाता है, देन फ्यूज करता है, और फ्यूज इट मीन्स फर्टिलाइजेशन करने के बाद स्पर्म और ओविम का क्या बन जाता है, आपका एग बन जाते हैं, और एग क्या होते हैं, बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो जो एग होता है इनकी बॉडी में वो कौन से स्टेज पे बनता है, वो इनके ओविपोजिटल स्टेज पे बनता है। ये कौन सी स्टेज थी, ये कॉपुलेशन स्टेज थी। तो कॉपुलेशन स्टेज जो होती है वो कौन से सीजन में ही सबसे अच्छा कॉपुलेशन करते हैं, तो सबसे बढ़िया जो कॉपुलेशन होता है वो सबसे जो वार्मस्ट जो मंथ होते हैं, अगस्त और सेप्टेम्बर में सबसे अच्छा ये क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। तो मोस्टली कॉपुलेशन इनका जून टू अक्टूबर के मंथ के बीच में होता है। देन हम नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है इसकी ओविपोजिटर। ओविपोजिटर स्टेज पे ये क्या करते हैं, जो हाउस फ्लाई होती है वो ओविपोजिटर स्टेज पे क्या करती है, फीमेल जो होती है वो 6 to 8 ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या करती है, फीमेल 6 से 8 दिन के बाद अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और अंडे कौन कैसी जगह पर देती है, डिकेइंग जो मेटेरियल्स होते हैं ऐसी स्थान पर क्या करती है, वो जो अंडे होते हैं उनको दे देती है। और अंडा जो होते, इनके बहुत सारे अंडे होते हैं, एक सीजन में कितने अंडे देती है फीमेल, तो 100 से लेके 125 एग्स इन वन सीजन क्या करती है, लेइंग करती है फीमेल जो होती है। लेइंग का मतलब है एग को बॉडी से पास आउट करना।
दैट इज कॉल्ड अ लेइंग। और हैचिंग भी यही होता है, तो हैचिंग का डेफिनेशन भी यही है। तो जो फीमेल होती है, तो फीमेल कहाँ पे डिकिंग मेट्रियल्स पे करती है, और मेट्रियल्स के अंदर मोस्टली 3 to 3 mm मिलीमीटर वो जो एग होते हैं वो इसके इंटरनल चले जाते हैं, ताकि उनके उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर और उनको अच्छा वातावरण मिल सके, ताकि उसका जो इन्फेंट है एग से स्प्राउट बाहर कम आउट हो सके एग से। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउस फ्लाई की मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इसके अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है, डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट जो इन्फेंट को इन्फेंट फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम डायरेक्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, वो कैसे कैसा डेवलपमेंट होता है उनके अंदर, डायरेक्ट होता है। तो इनके अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि ये पहले एग देते हैं, फिर एग से क्या बनता है, इनके लार्वेज बनते हैं, लार्वेज के बाद फिर पुपा, फिर उसके बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद फिर इनकी हाउस फ्लाई फॉर्म होती है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट इन्फेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इन और मेटामॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेटामॉर्फोलॉजी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट, दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। तो एग मेटामॉर्फोसिस है वो 4 stages में इसको डिवाइड कर दिया है। तो कौन कौन से स्टेज हैं वो इसकी, एग, उसके बाद लार्वेज बनते हैं, फिर उसके बाद इसके पिपा, फिर उसके बाद एड्यूल्ट। तो एग जो होते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, एग बनता है। तो एग जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो एग से इन्फेंट जब कम आउट होता है तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना अच्छा इनको जल्दी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, वो उतनी जल्दी हैचिंग हो जाती है एग की। देन हम लार्वे की बात कर लेते हैं। तो लार्वे कैसे होते हैं, ये हेडलेस होते हैं और आपके लेग लेस होते हैं, इनके पास इस स्टेज पे लेग नहीं होते और इनका हेड भी प्रेजेंट नहीं होता इनकी बॉडी में लार्वे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैगट्स कहते हैं, इसलिए इनको इस स्टेज पे। और लार्वेज होते हैं इनको 3 categories में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सी, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार और थर्ड इंस्टार। फर्स्ट इंस्टार आप देख रहे हैं अपनी स्किन पे, फर्स्ट इंस्टार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं और लिम्बलेस होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो काइटेनियस क्यूटिकल से कवर्ड होती है। जैसे आपकी एनिलिड्स होते हैं, एनिलिड्स की जो बॉडी होती है वो कैसे कवर्ड होती है, किससे, काइटेनियस क्यूटिकल से कवर्ड होती है, वैसे ही इनकी बॉडी भी किससे कवर्ड होती है, काइटेनियस क्यूटिकल से। और इनके पास मैंडिविबल स्केलेराइट होता है, जिस जो क्या काम करता है, इनकी लोकोमोशन और जो फूड होता है फूड को टियरिंग करने में इनकी हेल्प करता है। टियरिंग का मतलब है जो मांस वगैरह, इट मीन्स कोई भी चीज़ होती है फूड होता है, लेकिन ये लिक्विड फूड खाते हैं हाउस फ्लाई, ये सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। तो इसलिए फूड को टियरिंग करने का काम कौन करता है, इसके इस स्टेज पे मैंडिबुलर स्क्लेराइट होते हैं। देन इनके सेकंड इंस्टा लार्वे के पास क्या होता है, इनके पास पेयर्स होते हैं स्पाइरेकल्स के ऑन थर्ड स्टेज पे सिर्फ, जो कि किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन थर्ड इंस्टा लार्वे की बात करते हैं, तो इनके पास क्या होता है, इस स्टेज पे ये ऐसे ये लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, और ये किससे, इसलिए लाइट से अवॉइड भी रहते हैं। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनके पास होता है, ये क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। कौन से स्टेज पे, इंस्टा स्टेज पे। और इंस्टा स्टेज पे इनकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 12 millimeter लेंथ होती है, और एग स्टेज पे कितनी थी, 1 millimeter इनकी लेंथ थी। तो इट मींस इसके इंस्टा लार्व स्टेज, थर्ड जो इंस्टा लार्व स्टेज, तो उस पर क्या हो जाता है, इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। देन हम इसके पपा स्टेज पे बात कर लेते हैं, इस पे क्या फंक्शन होता है। इस स्टेज पे इनके पास ना तो माउथ होता है, ना ही एनस होता है। जैसे हमारे पास एनस होता है, माउथ है, तो इसकी जो पपा स्टेज है उस पे माउथ और एनस नहीं होता है, और इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इस स्टेज पे एब्सेंट होता है।
देन हम बात कर लेते हैं इसके एडल्ट स्टेज की। तो एडल्ट स्टेज पे इसके पास क्या क्या होता है, एडल्ट स्टेज पे इसके पास जितने भी इसका जो डेवलपमेंट है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्ट सिस्टम सभी कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कौन से स्टेज पे, इसके एडल्ट स्टेज पे, और ये फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इनिशियली जब ये एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये कलरलेस दिखाई देता है, फिर आफ्टर सम टाइम ये कलर शो करना स्टार्ट कर देता है। देन हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो हाउस फ्लाइज होती है इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करती है, स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीज। ये एज अ होस्ट की तरह किसमें काम करती हैं, ये होस्ट की तरह किसके लिए काम करती हैं, ये राउंड वॉर्म के लिए काम करती हैं। राउंड वॉर्म्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, देन ये क्या करती हैं, राउंड वॉर्म्स के जो जम्स होते हैं राउंड वॉर्म्स को किस में ट्रांसफर कर देती हैं, हॉर्स में, वन हॉर्स टू अनदर हॉर्स में ये क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो ये स्प्रेडिंग का काम करती हैं। और हमें सेकंड है इसका माइसिस ऑफ मैन, इट मींस ये मैन के ऊपर इन्वेशन हो जाता है इनका, और इन्वेशन होने के बाद क्या करती हैं, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्टेड कर देती हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हाउस फ्लाई क्या करती हैं, आपने देखा होगा समर वेकेशंस में, समर की जो ड्यूरेशन होता है उसमें क्या करती हैं, ये हमारे फूड के ऊपर बैठ जाती हैं, जिससे इसकी जो एग्स होते हैं वो हमारे फूड के ऊपर चले जाते हैं। जब हम खाते हैं उनको तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी छोटी आंत है, उसमें ये क्या करती है, पहुंच जाती है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए हमारे लिए हार्मफुल भी है। इसलिए इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए तो इसकी हेडिंग बनेगी कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड को देख लेते हैं। तो फिजिकल मेथड में हम सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा गार्बेज है, हमारा कूड़ा करकट है, उसको घर से दूर फेंकना चाहिए। अपने टॉयलेट्स और अपना जो घर है उसको ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए। और इसका केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड में हमें जो हाउस फ्लाई होती है, जहाँ भी हाउस फ्लाई बैठती है वहाँ पे हमें DDT, कॉपर सल्फेट और केरोसिन ऑयल्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स जैसे ये केमिकल्स होते हैं, इनकी हमें स्प्रेइंग करनी चाहिए हाउस फ्लाई के ऊपर, ताकि ये किल हो जाए। और केमिकल मेथड्स, और ये केमिकल मेथड था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल मेथड की। तो मैकेनिकल मेथड का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकली स्क्रीन और इलेक्ट्रिकली पेपर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ट्रैपिंग होती है, इलेक्ट्रिकली ट्रैपिंग, उनमें क्या करते हैं, जब ये किसी भी फ्रूट या मोस्टली ये फ्रूट्स के ऊपर, बनानास वगैरह उनके ऊपर ये सेट करती है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकली ट्रैपिंग कर सकते हैं, जिनसे ये उनको पकड़ के ट्रैप करके इनको किल कर सकते हैं। दो मोस्टली जो हाउस फ्लाई है वो इस टॉपिक में कवर हो गई होगी। देन हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड इन्वर्टेब्रेट्स के। तो आई होप यू पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताया करें। फिर उसी के लिए अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक चाहिए किसी भी उससे रिलेटेड टॉपिक से, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।